हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ खाली भरे टोमेटो सॉस के बॉटल्स का रीयूज वीडियो शेयर कर रही हूँ। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक कमेंट जरूर करें। इसी तरह से मैंने सारे फ्लावर के पैटर्न बना करके कंप्लीट कर लिए हैं। अब मेरे फ्लावर सूख चुके हैं, इसलिए मैं डबल कोट करूंगी। डबल कोट करने से आपके फ्लावर थोड़ा उभरा हुआ दिखेगा और उसमें साइन भी अच्छे आएंगे, इसीलिए आप सारे फ्लावर्स में डबल कोट जरूर करें। अब मैं ईयरबड्स का फिर से यूज करने वाली हूँ। इसको मैंने व्हाइट पेंट में डिप करके, आप देख सकते हैं मैं किस तरह से पैटर्न बना रही हूँ। सेम आप ईयरबड्स का यूज करके बहुत ही आसानी से ये पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं। मैं सारे फ्लावर्स के पास लगभग सारे फ्लावर्स के पास thank you।
आज का ये मेरा दूसरा वाटर पेंटिंग है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैं बॉटल पे ड्रॉ करूंगी। इस पे पेंसिल से ड्रॉ करते हुए मैं कुछ पैटर्न बना लिए हैं, लीफ के कुछ पैटर्न बनाए हैं, जिसे मैंने स्लैंटिंग में ले जाते हुए किया है। यहाँ से स्टार्ट करते हुए स्लैंटिंग में स्टार्ट करते हुए या बॉटल को धीरे धीरे घुमाते हुए पूरा एंड तक ऊपर लेके जाना है। ये पूरा एंड तक ऊपर गया है, ये यहाँ लास्ट पॉइंट है। इस तरह से स्लैंटिंग में बनाने से इसकी खूबसूरती और बढ़ जाएगी। पहला पैटर्न इधर से स्टार्ट है। अब इसके कुछ दूरी पे हम दूसरा लीफ का पैटर्न बनाएंगे। यहाँ से मैंने स्टार्ट किया है। ये पैटर्न सेम स्लैंटिंग करते हुए आपको ऊपर तक लेके जाना है। आप स्लैंटिंग करते जाइए और बस पैटर्न डालते जाइए। यहाँ पे लीफ है, कोई बात नहीं, इसके अंदर से हम लेके जाएंगे। यहाँ पे मैंने कुछ बर्ड्स भी ड्रॉ किए हैं। मैं यहाँ पे डार्क ब्लू कलर का यूज कर रही हूँ। कुछ लीव्स हम डार्क ब्लू कलर से बनाएंगे, कुछ लीव्स लाइट ब्लू कलर से बनाएंगे। यहाँ पे मैं दो कलर के लीफ का पैटर्न डाल रही हूँ। बॉटल के टॉप में भी मैंने ब्लू कलर अप्लाई किया है, जिससे हमारा जो ये पॉट बन रहा है उसका ओवरऑल लुक और भी सुंदर दिखेगा। अब मैं यहाँ पे लाइट ब्लू कलर अप्लाई कर रही हूँ। रैंडमली आप जहाँ पे आपको खाली स्पेस दिख रहा हो आप वहाँ पे लीफ अप्लाई कर सकते हैं। लगभग मैंने अपनी सारी लीव्स बना करके कंप्लीट कर लिया है।
आप इसका फाइनल लुक देख सकते हैं। इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल। आप इसे ऐसे, ये आज का मेरा लास्ट DIY है जो कि बहुत ही आसान है। इसे मैंने ग्लिटर पेपर की हेल्प से बनाया है। इसमें आप लाइट रख के डेकोरेट कर सकते हैं या फिर ऐसे भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। इसे बनाने के लिए मैंने ग्लिटर पेपर का यूज किया है। मेरे पास कुछ पहले से यूज किए हुए ग्लिटर पेपर बचे हुए थे, इसे मैं आज यूज कर रही हूँ। इसे हम बॉटल पे चिपका के स्टिक करके डेकोरेट करेंगे। ग्लिटर पेपर को 4 सेंटीमीटर पे मैंने मेजर करके कटिंग किया है। मेजर करके कटिंग करने से आपको आसानी होगी। मैंने सारे के स्ट्राइप कट कर लिए हैं और 4 इंचेस के स्क्वायर में कट करते हुए मैंने बीच से ट्रायंगल कट कर लिए हैं। ट्रायंगल को स्टिक करेंगे। मैं यहाँ पे फेविकॉल स्टिक का यूज कर रही हूँ। आप चाहे तो फेविकॉल का भी यूज कर सकते हैं, दोनों से ही ये आसानी से चिपक जाएगा। स्पेस बचा है, यहाँ पे कुछ कुछ खाली प्लेस दिख रहे हैं, तो मैंने जो हम ट्रायंगल यूज कर रहे हैं उसका उसके बीच से छोटे छोटे ट्रायंगल मैंने शेप में कटिंग किए हैं और जहाँ जहाँ मुझे खाली स्पेस दिख रहा है मैं वहाँ पे उसे स्टिक कर रही हूँ। बॉटल के टिप पे भी मैंने पतले पतले स्ट्राइप कट करके उसे स्टिक किया है। सारा पैटर्न बन चुका है, आप इसके फाइनल लुक देख सकते हैं। इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल। फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का ये मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे इसी तरह के मज़ेदार और इंटरेस्टिंग DIYs के लिए धन्यवाद।